शिमला जिला उपायुक्त आदित्य नेगी ने बताया कि शिमला में पिछले दो दिन से भारी बर्फबारी हुई है, जिसके चलते जिले की 200 से अधिक सड़कें बंद है। शिमला जिला के ऊपरी क्षेत्रों ठियोग, चौपाल, खड़ा पत्थर की सड़कों को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। शिमला शहर के अंदर की सड़कों को खोल दिया गया है। शिमला बिलासपुर मंडी NH को भी बहाल कर दिया गया है। शिमला से कुफरी सड़क से भी बर्फबारी हटा दी है, लेकिन फिसलन होने की वजह से वाहन न चलाने की सलाह दी गई है। जिला प्रशासन बहुत जल्द सभी सड़कों को बहाल कर देगा। बिजली पानी की भी आपूर्ति सुचारू रूप से चल रही है, हालांकि कुछ करीब 900 ट्रांसफार्मर बंद है। किसी भी पर्यटक के फंसने की फिलहाल सूचना नहीं है। देखिए, ऐसा है कि कल जो है, कल रात को काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी हुई है। वैसे तो कल पूरे दिन रुक रुक के बर्फबारी होती रही, तो शिमला में अलग अलग स्थानों पर जो है अलग अलग मात्रा में बर्फबारी हुई। कई एरियाज में जो है 2.5 फुट भी बर्फ गिरी है। तो अभी की जो सिचुएशन है, अभी लगभग जो है 200 के आसपास सड़कें जो है बंद है। लेटेस्ट ये है कि शिमला अर्बन में जितनी जो सड़कें थी वो सारी खोल दी गई हैं। हमारा जो नेशनल हाईवे जो मंडी बिलासपुर से कनेक्ट करता है वो पूरी तरह थ्रू है। जो सोलन से कनेक्ट करता है वो पूरी तरह थ्रू है। नारकंडा जो है वो खोल दिया गया है। हमारा जो कुफरी फागू वाला जो सड़क है उस पर उसको खोला हुआ है, पर वो थोड़ी स्लिपरी है, तो इसलिए रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट तो उस पर अलाउ की हुई है। खड़ा पत्थर में जो है अभी खड़ा पत्थर तक, जुब्बल से खड़ा पत्थर तक क्लियर कर दिया है। खड़ा पत्थर से नीचे जो है आपका कोटखाई वाली साइड जो है उस पर काम अभी चल रहा है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले 1-1.5 घंटे के अंदर जो है खड़ा पत्थर वाली सड़क पूरी तरह से थ्रू हो जाएगी। जहाँ तक बात है हमारी चौपाल की, तो चौपाल खिड़की वाली जो सड़क है वो भी बाधित है, क्योंकि वहाँ पे करीब 2.5 फुट के आसपास बर्फ गिरी है और उसको जो है सुबह से ही रिस्टोर करने का जो है प्रयास जारी है। और जो अभी लेटेस्ट सूचना मैंने प्राप्त की है, तो उसमें मुझे ये पता चला है कि अगले 2-2.5 घंटे में चौपाल खिड़की वाली जो सड़क है वो भी थ्रू हो जाएगी। तो ब्रॉडली जो है शिमला अर्बन की सारी सड़कें खुल गई हैं और अदर रोड्स का डिटेल जो है मैंने अभी आपको बता दिया है। देखिए, सबसे ज़्यादा बर्फबारी तो जैसे अभी रिपोर्ट इन्होंने मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने दी है, उन्होंने तो एक जगह बताया जहाँ पे 30 सेंटीमीटर के आसपास बर्फ, 30 से ज़्यादा सेंटीमीटर के आसपास बर्फ पड़ी है। बट अगर रोड्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो हमारी जो मेजर रोड पे जिसमें बर्फ पड़ी है वो चौपाल खिड़की वाली रोड है। और टूरिस्ट की जो है कहीं पे भी जो है ऐसे फंसने की या इस तरह की कोई भी रिपोर्ट नहीं है। कल रात को डेफिनेटली एक रिपोर्ट आई थी कि कुछ लोग बालूगंज के पास जो है रुक फंस गए थे, तो उनको उसी टाइम जो है वहाँ पे पहुँचा दिया था उनके गंतव्य तक। तो इसके अतिरिक्त जो है ऐसी कोई जो है हमारे पास रिपोर्ट नहीं आई कि कोई टूरिस्ट कहीं फंस गया है। बिजली पानी की स्थिति है सर? बिजली पानी की ये सिचुएशन है कि रफली जो है करीब 800 से 900 के जो आसपास जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो अफेक्टेड हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स जो है वो हमारे चौपाल एरिया के लिए अफेक्टेड है, बिकॉज क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि वहाँ सबसे ज़्यादा बर्फबारी हुई है और वहाँ की जो लाइन थी, जो हुली वाली लाइन थी, वो उसमें ब्रेकडाउन हो गया था, तो उसको रिस्टोर करने का प्रयास जारी है। बाकी पूरे ज़िले में जो है सब जगह थोड़े थोड़े ट्रांसफार्मर्स अफेक्टेड हैं, पर सबसे ज़्यादा ट्रांसफार्मर्स जो है वो चौपाल एरिया में अफेक्टेड हैं। इसके अलावा, हाँ जी, हाँ, पानी की जो योजना है तो उसमें जल शक्ति विभाग ने अभी तक तो हमें यही सूचना दी है कि उनके जो है जो सप्लाई स्कीम्स है उसमें कोई मेजर फॉल्ट नहीं है कहीं पे भी। शिमला जल प्रबंधन निगम ने जो है आज 37.2 MLD पानी जो है शहर को सप्लाई किया है, तो शहर में पानी की आपूर्ति जो है नॉर्मल से थोड़ा कम है, बट आपूर्ति सामान्य है। और इसके अलावा जो बाकी एरियाज में जो रिपोर्ट है वो नॉर्मल है।